जी बस पंडित जी बता दिए अब उसको बेचारी चले। नहीं सर, कुछ लाभ हानि तो होता होगा। कुछ नहीं है यार, लाभ हानि क्या है। जूतिया से अगर लाभ हानि हो तो राजीव गांधी मरते क्यों? इंदिरा गांधी जूतिया नहीं भूख रही थी। जूतिया एक पर्व बनाया गया मनवादियों के द्वारा जी, कि इस देश में जो पढ़ी लिखी महिलाएं हैं, जो महिला डॉक्टर इंजीनियर, जो महिला अधिकारी रैंक में हैं, वो महिला पढ़ लिख करके कुछ जान रही हैं कि वो भी अभी बेवकूफे बनी हुई। फलाने का पतोया ग्रेजुएट है, यो गोबर ले ले जाती है, हाउ के है, अरे वन उनका पतोया मास्टर रहनी आज उन्हें बहन नौकरिया पौल अब वो गोबर ले ले जाती है। ये सारी पढ़ी लिखी जो है बिचारी मनवादी मानसिकता की शिकार होके जाके गांव के बाहर गोठ लगा के घुंघरू लगा के बैठती हैं, उसके बारे में जानकारी किसी को नहीं है, एक पैसे की नहीं है जी। बस पंडित जी बता दिए अब उसको बिचारी चले। मुख्य कारण बता देते, जूतिया भूखा वाले ढेर लगे नाराज होकर जी। मुख्य कारण इसका क्या है जी? मुख्य कारण तो इसकी गुलामी है मेरे हिसाब से जी। दूसरी चीज मनवादी व्यवस्था जो है जी, सबके लिए कुछ ना कुछ तैयार की है कि पढ़ी लिखी महिलाओं को, जो महिला जब पढ़ी लिखी नहीं थी जी, और शिवा माई के व्रत भूखा, जूतिया माई के व्रत भूखा है जी, तो दूसरे के कहले पर भूखा है जी। आज जो महिलाएं पढ़ी लिखी हैं उनके पास सारी क्षमता है, लेकिन उसके बाद वो अगर भूख रही हैं तो उन अनपढ़ और ये पढ़ी लिखी में कोई अंतर नहीं है, पहली बात। अब रहा सवाल जूतिया माई के मुख्य धारा पर जी, कि जूतिया का मतलब क्या है, जूतिया लोग भूखते क्यों हैं जी? तो हम भूखने वालों माताओं बहनों को और भूखाने वाले भाइयों को जी, हम सबको बता दे रहे हैं जी, और खुली चुनौती की तरह बता दे रहे हैं कि जूतिया एक पर्व बनाया गया मनवादियों के द्वारा जी, कि इस देश में जो पढ़ी लिखी महिलाएं हैं, जो महिला डॉक्टर इंजीनियर, जो महिला अधिकारी रैंक में हैं जी, वो महिला पढ़ लिख करके कुछ जान रही हैं कि वो भी अभी बेवकूफे बनी हुई हैं। तो मैं देखा हूँ कि गांव की पढ़ी लिखी महिलाएं जो डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, मास्टर हैं जी, वो महिला जो है शाम के समय थरिया में लुगा फाटी सटा के सजा के गोबर लेके जी, ये देखिए हंस रही हैं जी, क्योंकि अभी पहली बार इस जाल में आई है। जाल में अभी अभी जी, इसे जी, भी पूछा जाएगा जी सर, क्योंकि मिशन की कलाकार है ये, मिशन में चलता क्या है, उसीलिए सीमा कौशल जी को जोड़ा गया सर आज। अब जब एक गांव के बाहर चली जाती हैं जी, अब जैसे आजमगढ़ में है बंधे पर कहीं बैठ जाती हैं, गांव में है एकदम कहीं जंगल आ कहीं इटकौरा उटकौरा ऊंच खाला वहाँ चली जाती हैं, आ खूब बढ़िया बढ़िया लुगा फाटी पहिर के खूब बढ़िया से सज संवर के जी, ये भाई के जा था ये फलाने का पतोया ग्रेजुएट है, यो गोबर ले ले जाती है, हाउ के है, अरे वन उनका पतोया मास्टर रहनी आज उन्हें बहन नौकरिया पौल अब वो गोबर ले ले जाती है जी। ये सारी पढ़ी लिखी जो है बिचारी मनवादी मानसिकता की शिकार होके जाके गांव के बाहर गोठ लगा के घुंघरू लगा के बैठती हैं जी, उसके बारे में जानकारी किसी को नहीं है, एक पैसे की नहीं है जी। बस पंडित जी बता दिए अब उसको बिचारी चले। नहीं सर, कुछ लाभ हानि तो होता होगा। कुछ नहीं है यार, लाभ हानि क्या है जी? जूतिया से अगर लाभ हानि हो तो राजीव गांधी मरते क्यों? इंदिरा गांधी जूतिया नहीं भूख रही थी जी। ये सब एक बेवकूफना है और कुछ नहीं, मैं बता रहा हूं। तो जहां बड़ा गोठ लगता है जी, जिस गांव की ज्यादा पढ़ी लिखी महिलाएं बड़ा गोठ लगा के बैठती हैं, उस गांव का एक ब्राह्मण अगर देख लिया कि हाँ यादव जी की बस्ती में बहुत बड़ी गोठ लगल, तमाम पढ़ल लिखल बेचारी बैठल है, तब उसमें जो चतुर ब्राह्मण है वो ये जान गया कि यादव जी लोगों में, चौहान जी लोगों में, पटेल लोगों में जितनी पढ़ी लिखी महिला है, जूतिया के नाम पर आज भी सिवान में चूतिया बन के बैठी है। पढ़ा लिखा इनका गोबर के समान है। अब गोबर लुणी आ दिया तने ठे लुणी धै लिया, गोबर के टिकिया मैडम
आ टीक के आ वही पर गाय के दूध लगैया कहिया हे शिवा माई हमरे बाबू के रक्षा करिया। शिवा माई बाबू का रक्षा करती है। अरे बाबू के कायदे से खेबो ना, कायदे से पढ़ेबो ना, शिवा माई का करिया। इसलिए खास तौर से जी मैं अपील करूंगा अपने बहुजन समाज के लोगों से, बहुजन समाज की माताओं बहनों से, ये सारे तीज त्योहार का प्रत्याग करते हुए पैसा बचाइए, बच्चों को पढ़ाइए, बच्चों को अच्छी डाइट दीजिए ताकि आपका बच्चा स्वस्थ हो, बच्चों को अच्छा कपड़ा दीजिए। ये जूतिया चुतिया से कुछ होने वाला नहीं है। जी सर, आप तो निरंतर आप चैनल पर आते रहते हैं सर। देखिए सर, नहीं भूखी नहीं ना हो तुम भी, मैं सही है आज तक की बात, क्योंकि आप दोनों लोग ही पकड़े जाएंगे सबसे पहले। सच्चाई तो आप जब यहाँ पर रख ही दिए हैं, सवाल खड़ा होता है। आपका संगत ऐसे शख्सियत से हुआ है जी जी, आप भी पकड़े जाएंगे, सवाल यहाँ खड़ा होता है जी। आपने सवाल कर ही दिया तो इसका जवाब मैं आपको दे ही देती हूँ। जब तक मुझे मिशन के बारे में पता ना था जी, जब तक हम अपने परिवार के दबाव में थे, सास ससुर का दबाव था, अभी आप सर जी से पूछे ही है जी, जी। इन्होंने बताया कि हमारे पूर्वजों ने जो करते आए उसको हमें करना है जी, निभा रहे हैं, उसको निभाना है ना। तो मेरी भी सास मुझे दबाव बनाई है ना जी। तो इस व्रत को मैंने दो बार किया दबाव में जी। लोग ये बहुजन समाज के लोग जानना चाहते हैं सीमा कौशल जी व्रत रखेंगे कि नहीं। बिल्कुल मैं बताऊंगी अपनी बात, और मैं आज से नहीं बल्कि दो बार तो मैं अपने सास जी के दबाव में इसको की जी। और इसके बाद जब मैं इस बिरहा क्षेत्र में आई उतरी जी, तब से मैं कोई तेज त्योहार नहीं करती। और जब से मुझे मिशन की जानकारी खास तौर से हुई जी, मैं और इन सब चीजों के खिलाफ हो गई। इसी तरह का दबाव दे परिवार में या मेरे समाज का, मायका ससुराल जो भी है। और मैं अपने देश की महिलाओं से ये भी अपील करूंगी जी कि सत्य क्या उसे जानने के प्रयास करिए। चलिए मैम, बहुत बहुत धन्यवाद सर। चलिए आप दोनों लोग हमारे स्टूडियो पे आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम। सादर जय भीम, नमो बुद्धाय बाबू।